बारिश का मौसम होने के बाद भी धान की फसल के अनुरूप बारिश ना होने के कारण पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी ने कार्यकारी अभियंता पेंच जल सिंचन विभाग को ज्ञापन देकर खरीफ फसल 2024 के लिए पेंच नहर का पानी किसानों के लिए छोड़ने की मांग की है। इस आशय की जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। भारतीय जनता पार्टी के रामटेक जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी ने कहा कि बारिश वैसी नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए तथा विभाग के अधिकारियों को भी बारिश को लेकर पूरी जानकारी नहीं है, जिसके कारण किसानों की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। वर्तमान में किसानों के फसल की रक्षा पेंच नहर के पानी से की जा सकती है, इसीलिए किसानों की फसल के लिए तत्काल पानी छोड़ने की मांग पत्रकार परिषद के माध्यम से की गई। देखिए, हर साल की तरह खरीफ हंगामा के लिए, खरीफ के धान फसल, इतर फसल के लिए जुलाई महीने 15 जुलाई तक एक रोटेशन शुरू हो जाता था, जहाँ धान का लगवाड़, धान की बंदियों में धान लगाने के लिए पानी कीचल बनाने के लिए वहाँ पर भेज बनाने के लिए लगता है, पानी की आवश्यकता है। किसान लोग पिछले 10 दिन से पानी मांग रहे, बारिश आ रही करके अधिकारी को मालूम ही नहीं कि कहाँ बारिश कम हो रही ज़्यादा हो रही। वर्तमान में बारिश जो कम से कम हुआ है, सभी जगह पे बारिश नहीं हो पा रही, इसलिए जल्दी जल्दी पानी छोड़े तो किसानों को अपना धान को वहाँ लगाएंगे रोपटे तो धान का जो उत्पादन है उसका ऊपर असर पड़ सकता है, ज़्यादा देर हो गई किसानों का नुकसान हो सकता है। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहां आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।